नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी प्रेमी पर। आज हम सकरखोरा चिड़िया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस छोटी सी सुंदर चिड़िया को हिंदी में सकरखोरा, फूल सोंगनी, सूर्य पक्षी आदि नामों से और अंग्रेजी में पर्पल सन बर्ड के नाम से जाना जाता है और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम सिनेरिस एशियाटिकस है। सकरखोरा भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। सकरखोरा भारत का बारहमासी पक्षी है जो संपूर्ण भारत में हिमालय की 5000 फीट तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, जो कि खेतों, बाग बगीचों, पुष्प उद्यानों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिख जाता है। सकरखोरा एक छोटी सी सुंदर चिड़िया है। नर और मादा सकरखोरा चिड़िया आकार में तो एक जैसे होते हैं पर रंगों में भिन्न होते हैं। नर चमकीला गहरा नीला जामुनी रंग का होता है जो कि दूर से देखने पर चमकीला काला दिखाई देता है। इसके कंधों के परों के नीचे पीले और लाल रंग के रेशमी पंख होते हैं जिन्हें दिखाकर यह मादा को आकर्षित करता है। मादा का ऊपरी भाग जैतूनी भूरे रंग का और नीचे का हिस्सा पीला होता है। इनकी चोंच काली लंबी नीचे की ओर झुकी हुई, आंखें काले रंग की और पंजे भी काले रंग के होते हैं। सकरखोरा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इसका भोजन खास तौर पर तो फूलों का पराग मिश्रित मधु है जिसे यह अपनी पतली तीखी हल्की सी गोलाई में मुड़ी हुई चोंच से चूसती है। इसकी ट्यूब जैसी जवान भी फूलों का रस चूसने के लिए बनी है। यह अपनी चोंच फूलों के अंदर डालकर मधु चूस लेती है। इससे फूलों को आपसी परागण में सहायता मिलती है। वैसे यह कीड़े और मकड़ियां भी खा लेती हैं। इनके पास एक तेज सीधी उड़ान है लेकिन ये मंडराकर फूलों का मधु चूसते हैं। सकरखोरा का प्रजनन काल मार्च से जून तक होता है। ये अपना घोंसला छोटे पेड़ों, झाड़ियों और कभी कभी मानव घरों में भी बना लेते हैं। इनका घोंसला प्याला नुमा आकार का होता है जो कि सफाई से घास, रेशों और मकड़ी के जालों से बनाया जाता है। घोंसला बनाने का काम मादा करती है। घोंसला बनाने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं। मादा सकरखोरा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है जो कि सलेटी रंग के होते हैं। मादा ही अंडे सेती है। 15 से 17 दिनों में बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं। नर अंडों से बच्चों के निकलने के बाद की जिम्मेदारियों में हिस्सा बटाता है, जैसे कि खिलाना, पिलाना और उड़ना सिखाना। सकरखोरा पक्षी का जीवन काल लगभग 22 सालों का होता है। आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीव जंतुओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन को ऑल पर कर लें। धन्यवाद।